नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना मैथ्स का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर। क्लास है 10th और हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, एंड दिस इज द पार्ट टू। वी हैव ऑलरेडी लर्न पार्ट वन, तो हम इसमें देखेंगे कि वन में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, और फिर हम इसके बाद अपना ये पार्ट टू शुरू करेंगे। और इस दौरान यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 8800440559, इस पर आप फ़ोन करके एक्सपर्ट से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसको कि आप सॉल्व करके हमें दिखाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, जो आपसे शायद सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे भी सॉल्व करने में हम आपकी सहायता करेंगे। उसके लिए आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे dth.class10@cieet.nic.in। ये हमारा इस क्लास 10th का ईमेल आईडी है। सब्जेक्ट के साथ आप अपना ईमेल कर सकते हैं। हमारे साथ आज मैथमेटिक्स की आपकी ये क्लास लेने के लिए जुड़ रही हैं मिस सविता ग्राहक, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। सविता जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू सर एंड टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एज वेल। जी बिल्कुल, सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो व्हाट वी हैव डन इन पार्ट 1 सो दैट वी कैन स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड पार्ट 2। राइट, सो आवर टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड जैसा कि आपने अभी बताया दैट इट इज पार्ट 2। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कुछ कर चुके हैं इन पार्ट 1, एंड आई होप देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इशू, आई हैव टू रीशेयर माय स्लाइड, मे आई डू इट? यस प्लीज। मुझे लग रहा है कि शायद प्रेजेंटेशन जो आप देखेंगे उसे सविता जी फिर से एक बार रीट्राई कर रही हैं, जस्ट टू शेयर द स्क्रीन अगेन, क्योंकि जिस मोड में हम पढ़ाई कर रहे हैं आजकल उसमें थोड़े से तकनीकी बंधन हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द हमें क्लास लेनी होती है। सभी हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आपसे जुड़ते हैं, और हमारा भी ये प्रयास यहाँ पर लगातार जारी है कि हमारे जो ये लाइव सेशन हैं जो आप लाइव टीवी के माध्यम से देखते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं, और ये सेव रहते हैं जिन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं। इसमें हम तमाम क्लासेस के सेशंस लेकर आते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे जितने भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल ज़रूर फॉलो करें, NCERT ऑफिशियल ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पर जो 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 रोज़ हमारे सेशंस होते हैं उसके पोस्ट आते रहते हैं और वो समय समय पर अपडेट होता है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपकी क्लास का सेशन किस दिन किस समय है, तो वो आप उसे ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अत्यंत मुझे लगता है सुखद हमें एक बात जान लेनी चाहिए, वो ये कि हम 15 अगस्त बिल्कुल निकट है और हम लोग जो है अपना 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में जो हम आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि भारत की एक स्वर्णिम गाथा के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की ओर से एक शुरुआत की गई है जिसमें आप राष्ट्रगान अपलोड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। सविता जी, कैन वी स्टार्ट नाउ? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस सेशन। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इक्वेशंस, देन व्हाट डू वी मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। So these linear equations can be there in one variable or in two variables or in three variables or more than that. I have written a linear equation here which is having three variables, variable x, y and z. And after that we have studied about the graphical representation of linear equation. For class 10 we will focus more upon linear equations in two variables only. Let these two variables be variable x and variable y. ऐसा कोई compulsion नहीं है कि हमें जो variables लेने हैं these will always be x and y. We can also take the variable u and v whenever we have to suppose. We can also take the variables a and b whatever we want. But here in this case, in this general equation, we are taking a, b and c as constants and x and y are variables here. So we have learned about how can we graphically represent a linear equation.
and how can we find the solution of pair of linear equations. We have learned about that if two equations are there parallelly, pair means two equations, to dono equations kya common solution jo hota hai usi solution ko hum bolte hain solution of pair of linear equations. So it can be unique, there can be infinitely many solutions, or there can be no solution. So methods for finding the pair of linear equations solutions, out of these methods we have discussed in our previous session that how we can graphically represent a line or pair of lines and how we can find the solutions of those lines graphically. Aaj hum aage badhte hue discuss karenge about the algebraic method for finding the solutions of linear equations. So there will be three algebraic method. The first is substitution method, the next one is elimination, and the next is cross multiplication method. But before discussing all of these three methods, we will discuss some questions in which we have to find some constant k where the system has been given to have unique solution or no solution or infinitely many solutions. तो पहले हम बात करते हैं कि ये कंडीशन थी क्या, एक बार रिकैप्चर करते हुए विल प्रोसीड अहेड. इफ वी हैव टू इक्वेशंस, द फर्स्ट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. और इन दोनों इक्वेशंस में इफ वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, so there is a relationship between the coefficients, and what that relationship is, that is a1 upon a2 means the coefficients of x from both of the equations, their ratio will never be equals to b1 upon b2, both of these will be different. And then we have discussed about no solution. So if no solution is there, in that case x के कॉफिशियंट्स का रेशियो इक्वल होगा रेशियो ऑफ द कॉफिशियंट्स ऑफ y, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम c1 अपॉन c2, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो से अलग होगा. सो दिस इज नोन एज द कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. सेम वी विल डिस्कस फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट वी आर सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस हियर. यस, so the very first question here is x plus 2y plus 5 is equal to minus 5 is equal to 0, we can say it, or we can also say it is x plus 2y is equal to 5. So x plus 2y is equal to 5, is equation ko hum is tarah se bhi likh sakte hain, x plus 2y minus 5 is equal to 0. And the second equation is there, 3x plus ky plus 15 equals to 0. For unique solution, we know that this is the only condition. So let us apply the same condition. We will get the coefficient of x. Yahan kuch bhi nahi likha tha, so it is understood that that coefficient is 1. Okay. So we have 1 upon 3 is not equals to the coefficients of y, which means 2 upon k. So from here we can clearly say that k is not equals to 6. So the question is this only, for what value of k the system has a unique solution, and we come to know that k can have any value other than 6. 6 ko chhod kar k ko aap kuch bhi put karenge, then the system will have a unique solution. Okay. So with the same question, let us discuss about the second part. अगर नो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया, इन दैट केस ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू विल बी इक्वल बट डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स. दैट मीन्स वन अपॉन थ्री द फर्स्ट इक्वेशन कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द सेकेंड इक्वेशन विल बी इक्वल टू टू अपॉन के बट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फाइव अपॉन 15. Now here is the case जहां पर students mistake करते हैं, और मैं
पर्पसफुली यहाँ पर आई एम राइटिंग फाइव. इट शुड नॉट बी फाइव, इट शुड बी समथिंग एल्स, बट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाई इट इज नॉट फाइव. सो यू माइट बी थिंकिंग नाउ इफ इट इज 5/15 तो 5/15 को कैंसिल करने पर इट इज 1/3. Yes. And 1/3 is equal to 1/3. But we are saying that no solution should be there. So there is some mistake. And what that mistake is, in this first equation, 5 has been written in your question on the right hand side. Right. But in the second equation, 15 is on the left hand side. तो हमें ये मिस्टेक नहीं करना. क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल दिया जाएगा. यू हैव टू थिंक अपॉन इट दैट वी विल टेक द कांस्टेंट्स आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर बोथ ऑफ द इक्वेशंस या फिर दोनों ही इक्वेशंस में वी विल टेक द कांस्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड. सो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है नाउ इट इज नॉट 5 बट इट इज -5 एंड इन दैट केस इट इज -1/3. और आपको पता है कि 1/3 एंड -1/3 दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज. यस, मेरी भी ये जिज्ञासा थी जब आपने 5/15 लिखा तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आपने मेरे पूछने से पहले ही उसका उत्तर दे दिया है. जी बिल्कुल सर. तो इस तरह से बताने से स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. दैट्स व्हाई वी प्रोसीड लाइक दिस. So what do we have? अगर हम first और second equation को pick करते हैं, तो we are getting k is equal to 6. Means 1/3 is equal to 2/k लेने पर we are getting on cross multiplication that k is equal to 6. So for this value, for k is equal to 6, the system will have no solution. But इस चीज को more confidently बताने के लिए हमें वापस k की जो value है वो यहाँ put करके check करना चाहिए that whether it is correct or not. So we are getting that 1/3 and 1/3 both are equal but different from -1/3. Okay. After this, let us discuss the next question. Again, we have to find the value of k constant for which the system of equations this and this has infinitely many solutions. Infinitely many solutions means this time the ratio of the coefficients will follow the condition that a1/a2 equal hoga b1/b2 or wo equal hoga c1/c2 ke, which is telling us that 4/k is equal to 5/10. So of course we are getting our value from here only. The value of k, it is 8. So we do not have to any need to take the next condition. But if we take the next condition, if we take the value of c1 and c2, we can see in this particular equation that there is no constant other than 0. And similarly, in the second equation, it is only a 0. So in place of c1 and c2, you will put a 0. And thus we are getting that 4/k is equal to 5/10 is equal to 0/0. Dear viewers, is it possible that 4/8, वैसे तो हमने k की वैल्यू पहले दोनों रिलेशंस को सॉर्ट आउट करके निकाल ली एंड दैट वैल्यू इज 8. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन आवर कंडीशन एंड वी विल सी दैट व्हाट वी आर गेटिंग. सो वी आर गेटिंग 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0/0. क्या ये रेशियो 0/0 के इक्वल हो सकता है? ऑफ कोर्स नो, हो ही नहीं सकता. 1/2 can never be equals to 0/0. 0/0 is a not defined term. So we will say, therefore, there is no value of k for which this system of equation has infinitely many solution. Possible ही नहीं. Clear? Right. बिल्कुल इसी तरह से one more question is here on our screen. We have to determine the value of k again, for which the system of linear equations has no solution. This time the coefficients of equation is somehow greater. Means we have 3k plus 1 divided by k square plus 1 is equal to 3/k minus 2, but not equals to -2/-5. Five. You
because no solution is given, na, that's why C1 upon C2 ka ratio will be different from first two ratios. So we will solve both of these equations now, and then we will be able to get a quadratic equation here in the form of k square, and then we will have to solve that equation to find the values of k. So this is all which we have to discuss about using the conditions for unique, infinitely many, and no solution to solve various questions. And now we are shifting to substitution method. How can we use substitution method to find the solution of two equations? जब हमने graphically अपनी equations को draw किया था, तो हमने discuss किया था when two lines intersect each other at a point, then we say unique solution is there. Okay. If the lines are parallel, then we say no solution is there. क्योंकि एक भी ऐसा point नहीं होता parallel lines के case में जहाँ पर दोनों lines एक दूसरे को cut करें, intersect करें. Right. But if two lines are there in such a way that on one line the other line is there. This is one line I have drawn, and on the very same line the other line is proceeding. So what is there? Each and every point of line one is the solution of each and every of the second equation. So in this case hum bolte hain infinitely many solutions are existing. Okay. So let us discuss now substitution method today for solving this pair of linear equations. नाम से समझ आ रहा है कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट आप करोगे? फ्रॉम वन ऑफ द इक्वेशंस, वेदर फर्स्ट और सेकंड, आप वन वेरिएबल की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेंगे. लेट मी से स्टेप टू हैज बीन मेंशन्ड हियर. वी विल चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस एंड वी विल एक्सप्रेस आइदर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल. That means we will express one variable in the form of other, and then we will put that value of y. Consider करते हैं हमने first equation से y की value निकाली, फिर हम क्या करेंगे? y की उस value को we will put in this second equation. In place of this, we will put that value. Then we will come to know कि अभी हमारी जो equation two variables में थी, that is there in one variable only. क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन से वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कैलकुलेट की और वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर. सो बाय सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड बाय सॉल्विंग दैट इक्वेशन मींस जहां पर हमने वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा था, हम एक्स की जो वैल्यू ऑब्टेन की वो पुट करेंगे. लेट अस डिस्कस इट इन अ क्वेश्चन, इट विल बी मोर क्लियर देन. ओके, here is the first and second equation. From the first equation, let us calculate the value of any of the variable. So we can write that x is equal to 5 minus 2y. This is our equation third. If x equals to 5 minus 2y, then we will put this value in second equation. ध्यान रखना है, जिस equation से आप variable की value calculate करते हैं दूसरे variable की form में, other than that जो equation है value उस equation में हम put करें. So what are we getting? We are getting that 3 into 5 minus 2y plus 12y, it is 10. Okay. So we have 15 minus 6y plus 12y. Yes, sir. Yes. You are also taking interest parallelly with the audience. एक्चुअली आज मैं ही आपका स्टूडेंट हूं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त एनसीईआरटी ऑफिशियल पर और हमारे टीवी चैनल के माध्यम से चैनल नंबर 10 पीएमई विद्या पर, तो उनके बिहाफ में मैं जो है आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं और इस प्रकार के प्रयास मैं रोज़ करता हूं अपनी तमाम तरीके तमाम विषयों की क्लासेज में, तो यहाँ पर भी मेरा प्रयास जारी है. जी बिल्कुल, एंड दैट इज गुड, दैट इज अ ग्रेट मोटिवेशन. और बहुत बेहतर तरीके से खेली, उन्होंने मेडल नहीं जीता तो क्या होगा, लेकिन दिल सबके जीत लिए हैं. दिल सबके जीत लिए हैं, बिल्कुल. तो हमारे पास है y equals to minus 5 upon 6. अभी हमें क्या करना है? We will put this value of y
in equation number third to get the other variable, which is x. So we have 5 minus 2 into minus 5 upon 6, and we have 5 plus 10 upon 6. And on simplification, we are able to get this value to be 20 upon 3. Agar hum 3 ko LCM lete hain, yes. So we are getting 15 plus 5, which is 20. So this is the final solution. Value of x is 20 upon 3, and value of y is minus 5 upon 6. Therefore, this system of equations has a unique solution, and that solution has been given here. इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वेशन अलग अलग भी ओनली इसी इन्हीं वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होंगी, बट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इज दिस. बाकी फर्स्ट इक्वेशन के भी देयर कैन बी मेनी मेनी सॉल्यूशंस इन सेकंड इक्वेशन के लिए. सो अगेन वी हैव रिटन हियर टू इक्वेशंस जहां पर कॉन्स्टेंट्स को हमने जीरो रखा है. ओके, एंड इन द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सी दैट इट इज रूट टू एक्स plus root 3y is equal to 0. Second equation is root 3x minus root 8y equals to 0. Okay. Again, we will do the same procedure. From the first equation, let us calculate the value of one variable. X ki hi value humne calculate kar li. Okay. This value is minus root 3y upon root 2. And now we will put this value in the second equation. And if we are putting in second equation, we are able to get root 3 into minus root 3y upon root 2 minus root 8y equals to 0, which is minus 3y upon root 2 minus root 8y equals to 0. And if we consider root 2 as LCM, so we are getting minus 3y minus 4y. From here, the value of y is undoubtedly zero. तो हमें root को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है. We have to solve these in the same way जैसा बाकी question solve करते हो. Main thing is root 2 has been multiplied by root 8, then it is root 16, and 16 is the perfect square number. Therefore, root 16 is 4. Now put this value in equation number third. अगर हम put करते हैं, तो we are getting x equals to zero. So we have the value of x, we have the value of y. Okay. So this is all about the method of substitution. Do we have time? If we have, so we can, then we can start method of elimination. Yes, now. Yes, we have 5-7 minutes for you. Right, sir. So it is method of elimination. Means, अभी क्या करना है? दोनों equations को इस तरह से solve करना है कि हम कोई एक variable को eliminate करें. So here the first equation and this one is the second equation. अभी हमने same रखी हैं, which we have taken in the previous example for which we have solved by using substitution method. Just to tell कि कोई भी method use करें, solutions will remain the same. So we have here first equation में the coefficient of x is root 2. In the second equation the coefficient of x is root 3. एलिमिनेशन में क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल्स. दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट, वी आर मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय रूट थ्री बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द सेकेंड इक्वेशन, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन बाय रूट टू. सो वी आर गेटिंग ओके. तो इस प्रकार के जब भी कोई इक्वेशंस आते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. उसमें रूट की जो नंबर्स हैं, रूट नंबर्स को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि उसे सॉल्व करना शुरू करें, और जब ये वेरिएबल्स की आप वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे तो आपके इक्वेशंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे. आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो तरीका है उनका करने का, यानी कि मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस सॉल्व करने के तरीके हैं, वो आपको हमेशा याद रखने हैं, उसको नहीं भूलना है. क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरीके का आ सकता है, लेकिन उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो सेम ही रहने वाला है. और मैं आपको बता रहा था कि आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग सभी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो इसी गतिविधि के अंतर्गत एक राष्ट्रगान सभा प्रमुख गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है MyGov के द्वारा, और आप उसके लिए राष्ट्रगान गाते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करें. उसके लिए आप एक वेबसाइट क्लिक करें, राष्ट्रगान.in, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है.
ये काम सभी को करना है और याद रहे कि वो हमारा राष्ट्रगान है, तो आप उसे सावधान की अवस्था में खड़े होकर उसको रिकॉर्ड करें और उसे अपलोड करें। उसके लिए जैसे ही आप राष्ट्रगान.in क्लिक करेंगे, उसमें आपका वो नाम और आपकी उम्र पूछेगा और उसके बाद कैमरे का एक्सेस, और आप वहीं से वीडियो अपना बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी उपस्थिति आप दर्ज करा सकते हैं। कोई भी रह ना जाए, अंत्योदय की जो एक परिकल्पना बहुत सालों से चली आ रही थी, उस ओर जो हमारे काम हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में, वहाँ पर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक सबका पहुँचना, हर सुविधा का, हर सुख का, और हर उस हमारे को कहना चाहिए कि जो भी ईश्वर से प्राप्त या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कुछ भी किसी भी प्रकार की तरक्की, वो उस तक पहुंचना ज़रूर चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इन सभी छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर कोई ना कोई बड़ी सफलता ज़रूर हमारे हाथ लगेगी, जिसकी ओर भारत आज अग्रसर है। हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन क्लास 10th का, जिसे हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप एक्स और वाई के वैल्यूज़ जो है कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अपना ये सेशन समाप्त करना चाहिए। और आपने आज जो भी सीखा है वो आप YouTube पर देखेंगे, ये सेशन आपका YouTube पर रहने वाला है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और हम इस सेशन का पार्ट 3 लेकर आएंगे, ताकि आप पार्ट 1, 2 और 3 के माध्यम से लीनियर इक्वेशंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। हम अपना ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगला सेशन लेकर थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे, जो कि है सोशल साइंस का क्लास 10th। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार।